जय हिंद डियर स्टूडेंट, मैं आपके साथ अरविंद सर। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैथ का एक जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है यूनिट प्लेस। डियर स्टूडेंट, ये यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट ये अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और छात्रों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि आपको बस सिर्फ सेकेंड लगेगा और कितना भी पावर किसी भी संख्या पे अगर डाल दिया जाए तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे, उसके लिए हम धमाकेदार ट्रिक्स बताने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। और अभी तक अगर हमारा आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर स्टार्ट करते हैं रूल वन से, यानी कि तीन रूल में पढ़ाऊंगा, उसके बाद जितना भी यूनिट प्लेस से पावर वाला क्वेश्चन है वो सारा का सारा आपके लेवल में आ जाएगा, मतलब एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, रूल नंबर वन स्टार्ट करते। चलिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप देखते हैं और जबरदस्त मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके लिए ये यादगार वीडियो हो। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट कहता है, रूल्स कहता है डियर स्टूडेंट, यदि संख्या का इकाई अंक यानी कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या ले लो या नंबर ले लो, अगर संख्या का इकाई अंक जीरो हो या वन हो या फाइव हो या सिक्स हो, यानी जीरो हो यूनिट प्लेस, यानी कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस या तो जीरो हो, वन हो, फाइव हो या सिक्स हो, तो कितना भी पावर उस संख्या पे डाल दो, कितना भी पावर उस संख्या पे डाल दो तो जीरो हो तो संख्या यही यानी जीरो एक पांच छ उत्तर होगा। तो संख्या का इकाई अंक जो है, संख्या का अगर यही लिखोगे तो संख्या का इकाई अंक जो है जीरो एक पांच छह ही उत्तर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको एग्जांपल के साथ दिखाना चाह रहा हूं। तो जैसे मान लो कि लास्ट में मेरा संख्या कितना 76 है, लास्ट में मेरा 6 है, तो लास्ट मेरा यूनिट प्लेस 6 है, तो इस पे कितनों भी पावर दोगे इकाई का अंक मेरा क्या होगा, 6 ही होगा। यानी जीरो एक पांच छह पे कितना भी पावर दे संख्या का इकाई अंक मेरा यही होगा, मतलब सेम होगा। अगर एक है तो एक ही होगा, जीरो है तो जीरो होगा, पांच है तो पांच होगा, छह है तो छह होगा। यानी कि इकाई अंक छह है, तो इस पे कितना भी पावर दे दो, जो मर्जी पावर दे दो, तो इसका आंसर जो है यूनिट प्लेस आपको 6 होगा। अब लास्ट में देखिए 1 है, लास्ट का मेरा यूनिट प्लेस 1 है, इस पे आप कितना भी पावर दे दिया मैंने, जैसे 874 दे दिया, इसका जो यूनिट प्लेस होगा 1 ही होगा, इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, लास्ट में मेरा 0 है, इस पे कितना भी पावर दोगे तो इकाई अंक मेरा क्या होगा, 0 ही होगा। अब देखो लास्ट में मेरा 5 है, संख्या है 84 35, लेकिन मेरा यूनिट प्लेस कितना है, 5 है, तो इस पे आप कितना भी पावर दे दो, जैसे 976 दे दिया या और भी कोई नंबर दे दोगे तो आंसर मेरा 5 ही होगा। ये डियर स्टूडेंट ये पहला रूल है जो कि धमाकेदार, मैं इससे भी आगे धमाकेदार रूल पढ़ाऊंगा दूसरा और तीसरा। अगर तीन रूल को अगर आप सीख जाते हो तो जिंदगी में कभी भी आपको यूनिट प्लेस में पावर वाला क्वेश्चन नहीं रुकेगा, इसका गारंटी हम देते हैं, लेकिन अंत तक देखना है। तो देख लीजिए, पहला रूल 0 1 5 6 हो तो कितना भी पावर हो तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग दूसरा रूल पढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग दूसरा रूल पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ये रूल कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं कुछ नया सिखा रहा हूं और लास्ट में मैं तीसरा रूल ऐसा रूल सिखाऊंगा कि अगर सब कुछ भुला दोगे तो फिर भी अच्छा ही होगा। मतलब कहने का बात सीधा सीधा है डियर स्टूडेंट, अगर सब कुछ भूलने के बावजूद भी अगर तीसरा रूल को याद रखोगे तो सबसे मजेदार रूल है कि सारा कहानी एक ही रूल पे होगा, लेकिन हम अभी पार्ट वाइज पार्ट वाइज बता रहे हैं ताकि और ज्यादा इजी हो जाए, और ज्यादा इजी हो जाए। तो चलिए मैं दूसरा रूल को चर्चा कर रहा हूं कि अब देखो दूसरा रूल क्या है कि 4 और 9 का रूल लगभग एक समान है, यानी कि 4 अगर यूनिट प्लेस 4 है या 9 है तो उसका लगभग जो है एक ही समान रूल है। तो वो देखो कैसा रूल है, तो डियर स्टूडेंट देखो,
एक सम संख्या होता है, एक विषम संख्या। सम का इंग्लिश होता है इवन नंबर और विषम का इंग्लिश होता है ऑड नंबर। तो सम संख्या मतलब जो दो से डिविजिबल है सम संख्या, विषम संख्या मतलब जो दो से डिविजिबल नहीं है विषम संख्या। यानी कि कहने का मतलब है कि चार पे अगर सम संख्या पावर हो, अगर इकाई अंक चार हो और उस पे अगर पावर आपका क्या है सम है, तो इसका इकाई अंक छह होगा। अगर पावर सम है तो छह होगा, अगर पावर विषम है तो चार ही होगा। कहने का मतलब है कि पावर सम हुआ तो छह होगा, अगर पावर विषम है तो चार ही होगा। उसी प्रकार नौ का देखो, अगर इकाई अंक अगर आपका नौ है तो सम संख्या पावर है, इसका इकाई अंक आंसर एक होगा। अगर सम संख्या है तो एक होगा, अगर विषम है तो नौ होगा। तो सीधा सीधा याद रखना है डियर स्टूडेंट, अगर चार और नौ पे, अगर यूनिट प्लस चार और नौ है उस पे अगर पावर विषम संख्या है तो वही होगा, चार ही होगा और नौ ही होगा। अगर पावर विषम है चार पे तो चार ही होगा, नौ पे है तो नौ ही होगा। लेकिन सम है तो चार पे पावर दो ले लोगे छोटा सा तो छह हो गया, और नौ पे दो लोगे तो एक हो जाएगा। तो सीधा से याद रखना है, चार के लिए सम है तो छह, नौ के लिए एक, और विषम है तो चार के लिए चार, नौ के लिए नौ। तो चलिए मैं एग्जांपल के द्वारा इसको जो डिमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, आपको और ज्यादा कोशिश करता हूँ समझाने की, वैसे आप समझ गए होंगे, इतना तो होशियार है ही। अब देखो इकाई अंक मेरा चार है, इकाई अंक मेरा चार है, और ये पावर देखो सम है कि विषम है, तो भैया कोई भी कह देगा 83 जो है विषम पावर है यानी ऑड है, इसलिए लास्ट में मेरा क्या हो जाएगा चार ही होगा, विषम है तो चार होगा। अब देखो इकाई अंक मेरा चार है, इकाई अंक मेरा चार है, ये पावर देखो 104 क्या है सम है, 104 क्या है सम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा छह हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा छह होगा। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट में देखो नौ है, लास्ट में देखो नौ है और मेरा कितना है 67 पावर है, तो 67 तो ऑलरेडी विषम नंबर है इसलिए इसका आंसर नौ होगा। और लास्ट में देखो नौ है तो इस पे पावर 932 है तो सम है, तो इसका आंसर क्या होगा एक होगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बिल्कुल। अगर अब देखिए हम तीसरा रूल्स आपको बता रहे हैं डियर स्टूडेंट, एक बात जरूर याद रहे कि लास्ट में मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा आप कुछ आपके होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए, और उसको बना करके जरूर कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई ही 100% सीख गए हो, जो कि आपको 100% सिखाने का ही सबसे बड़ा मेरा पहलू होगा। अगर आप 100% सीख रहे हो वही मेरा गिफ्ट होगा और वही मेरा कोशिश होगा। अगर वो कोशिश में अगर मैं नाकाम हो जाता हूँ तो फिर बेकारी में आपको सिखा रहा हूँ। इसलिए अगर आप 100% अगर बनाते हो सीखते हो तो अपना प्रतिक्रिया जरूर कमेंट में करना। और डियर स्टूडेंट जब भी वीडियो देखो, कोई भी वीडियो, अभी तक तो मैंने बहुत सारा वीडियो लगभग 160 वीडियो मैंने बना चुका हूँ, नीचे प्ले आपको वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट भी बनाया है, ठीक है, या तो आप चैनल सर्च करके भी देख सकते हो, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारा वीडियो है, ठीक है, उस पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज है, सारा का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे ब्लॉग स्पोर्ट्स पे भी फॉलो कर सकते हो, हर जगह आप फॉलो कर सकते हो, और वहां से भी आपको कुछ कुछ मैं सिखाने की ही कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरा रूल स्टार्ट करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होगा, सबसे इम्पोर्टेंट होगा। डियर स्टूडेंट अभी तक आप जितना भी सीखे हो अगर सब कुछ भुला भी देते हो तो ये रूल नंबर थर्ड जो है इतना इम्पोर्टेंट है, आपकी हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए योग्य है। तो चलिए हम इसमें 1% भी आपको याद करने के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे, और सबसे मैं नया कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, और सबसे नया कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, और याद करने का कहीं भी एक पॉइंट भी चांस मैं नहीं दूंगा, क्योंकि सारा जो है हम टेक्निक से यानी ट्रिकी से आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसीलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। अब देखो रूल नंबर थर्ड क्या है, ये स्पेशली डियर स्टूडेंट 2, 3, 7, 8 के लिए, ये स्पेशली 2, 3, 7, 8 के लिए है, यानी 2, 3, 7, 8 के लिए, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी 6 नंबर का बता दिया, 4 नंबर 10 हो जाता है। अगर आप 2, 3, 7, 8 में भी यूज कर सकते हो, अन्यथा आप टोटल नंबर में यूज कर सकते हो, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ गया तो उसमें भी यूज कर सकते हो, तो नहीं तो स्पेशली इसमें यूज करते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ यूज करोगे। क्लियर, आइए देखो तीन स्टेप याद रखना है, तीन स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप क्या याद रखना, मैं सब कुछ बता रहा हूँ एक एक करके,
पहला स्टेप याद रखना है डियर स्टूडेंट कि पावर में चार से भाग देकर शेषफल को संख्या के इकाई अंक पर पावर के रूप में लिखना है। तो यानी जो पावर होगा उसमें चार से भागा दे दो। भागफल क्या आया है उससे कोई मतलब नहीं है। शेषफल मतलब रिमाइंडर को जो है संख्या के इकाई अंक पर पावर के रूप में लिखना है। क्लियर। अब दूसरा स्टेप देखो कि अगर शेषफल अगर 1 बचता है तो मेरा पावर 1 होगा, अगर शेषफल 2 बचता है तो पावर 2 होगा, अगर शेषफल 3 है तो पावर 3 होगा, अगर शेषफल 0 है तो पावर 4 होगा। यानी 1 के लिए शेषफल है तो पावर 1 के होगा, 2 शेषफल है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। लेकिन जब शेषफल 0 हो जाए यानी जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है तो उसके लिए पावर हम 4 का यूज करेंगे। क्लियर। और तीसरा स्टेप है इकाई अंक पर पावर डाल करके आंसर ज्ञात करेंगे, संख्या की इकाई अंक पर पावर डाल करके आंसर ज्ञात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट और भी मैं थोड़ा सा आपको कष्ट ना दे करके सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, इसको समझो कि अब देखो अगर पावर 1 है तो वही संख्या आंसर हो जाएगा, अगर पावर 2 है तो स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन जब पावर 3 होगा तो क्यूब तो कर सकते हो, क्यूब करना आसान है और कर भी सकते हो, अगर नहीं करोगे तो हम बता देते हैं। लेकिन जब पावर 4 होगा ना बाबू, राजा बाबू सोना, जब पावर 4 होगा तो संख्या को 4 बार गुना करने में समय लग जाएगा, तो आपको रटना नहीं है, अरे रट्टा नहीं मारना है, कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो नया कॉन्सेप्ट देखिए क्या करेंगे, जब मेरा पावर 3 रहने पर, जब मेरा पावर 3 होगा मतलब 3 बार अगर गुना करना है, इकाई अंक पे 3 पावर है तो देखो 1, 4, 5 और 9, 1, 4, 5, 6 और 9 का सेम होता है, 1 पे 3 दोगे 3 1 होगा, 4 पे 3 दोगे 4 होगा, 9 पे 3 दोगे तो इकाई अंक 9 होगा, यानी 1, 4, 5, 6 और 9 के लिए सेम होता है। अब देखो 2 पे पावर 3 दोगे तो इकाई अंक 8 होता है, 8 पे पावर 3 दोगे तो इकाई अंक 8, 2 होता है, यानी 2 का 8 होता है। देखो 1, 4, 5, 6, 9 का सेम होता है, ठीक है, 2 का 8 होता है तो 8 का 2 होता है, अरे 2 का 8 होता है तो 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है तो 7 का 3 होता है, 3 का 7 तो 7 का 3। क्लियर। देखो 1, 4, 5, 6, 9 का सेम होता है भैया, 2 का 8 होता है तो 8 का 2 हो जाता है, 3 का 7 होता है तो 7 का 3 होता है। ये तो क्यूब वाला याद रखना, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन ये तो नॉर्मली क्यूब भी कर सकते हो, लेकिन तकलीफ तब होता है जब पावर 4 आता है, जैसे पावर 4 रहने पर इकाई अंक। तो अब देखो पावर 4 रहने पर मैंने सबसे सटीक तरीका आपको बताया है कि 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9 मतलब सब विषम है, सब विषम, खाली 5 को छोड़ दो, ठीक है, सब विषम है। 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9 पर पावर अगर 4 देते हो, या तो 1 पे 2, या तो 3 पे 2, या तो 7 पे 2, या तो 9 पे 2, इकाई अंक आपको 1 के होगा, इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। अगर सब सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8 पे अगर पावर 4 दोगे तो आंसर 6 होगा, मतलब विषम पर पावर 4 दोगे तो 1 होगा, सम पर पावर 4 दोगे तो 6 होगा, खाली 5 अकेला अलग है, 5 पर कितना पावर दोगे तो 5 होगा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट था याद करने के लिए। अब देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चंस कैसे आता है, हम एग्जांपल करके दिखाते हैं और लास्ट में आपके लिए मैं क्वेश्चन भी छोड़ के जाऊंगा, ठीक है, तो उसका आंसर जरूर देना अगर आपको समझ में आ रही है, क्योंकि आंसर दोगे तो मुझे और ज्यादा खुशी मिलेगी। और जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना भी है, नया नया ट्रिक्स पढ़ना है, तो उसको भी कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूंगा हर एक का डिमांड पूरा करने का, जो आपका डिमांड होगा वो ट्रिक्स मैं जल्दी पढ़ा दूंगा, वैसे मैं तो पढ़ाऊंगा सब ट्रिक्स, कभी देर होगा कभी पहले होगा, लेकिन डिमांड पे जल्दी मैं पढ़ा देता हूँ। आइए जैसे हम मान ले कि 3, 6, 3, 4 है, 2 है, अब लास्ट में पावर दे दिया 73। अब देखो पहले इकाई अंक सेलेक्ट कर लो, क्या है नहीं है मतलब नहीं है, पहले इकाई अंक सेलेक्ट कर लो, कितना है 2। अब मेरा पावर कितना है 73, 73 में आप 4 से भागा दे दो, 4 से भागा दो 4 का 4 3 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, अब मेरा 1 हुआ। तो देखो बाबू शेषफल अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो मेरा पावर 1 लेना है, अगर शेषफल 2 बचा 2, 3 बचा 3, लेकिन जब शेषफल 0 हो जाए तो मेरा पावर मेरा 4 चल जाएगा।
तो अब मेरा रिमाइंडर एक हुआ तो हमको दो पर पावर एक देंगे तो आंसर दो हो गया, आंसर दो हो गया डियर स्टूडेंट, क्लियर। तो आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 4 8 ले लेते हैं, 3 4 8 पर पावर दे देते हैं 93 या 94 दे देते हैं। तो पहले 8 है तो इसको 8 लिख दीजिए, ठीक है। अब 94 में 4 से भागा दीजिए, 4 दो 8 हो गया, 4 हो गया, 4 तिया 12। अब देखो दो पावर बचा, दो पावर है तो दे दो, दो से स्पल मतलब दो पावर, 8 का पावर 2 करोगे 64 हो जाएगा, तो इकाई अंक मेरा 4 हो गया, इकाई अंक मेरा 4 हो गया, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए मैं एक और शेषफल जब जीरो बचेगा तो उस सबको कैसे बनाना है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। शेषफल जीरो, अब मैं इसे मान लेता हूं, अब यहां देखो 2 1 2 है, ठीक है। अब देखो 7 पहले लिख लो, अब 212 में हमको भागा 4 से देना है, देखो 5 के 20 हो गया, फिर 4 3 12, देखो शेषफल कितना बच गया 0। तो भैया जब 0 बचेगा तो पावर 4 लेना, पावर कितना ले लेना है 4। अब बताया था ना मैं कि 7 पे पावर 4 दोगे तब 7 को 4 बार गुना करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने ट्रिक्स बताया है कि 1 हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए आज के लिए होमवर्क में छोड़ के जाता हूँ और 100% आप बताएंगे, ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट, ये मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया है 1 2 3 4 5 6, और मुझे पता है कि आप ये 6 क्वेश्चंस का जवाब 100% कमेंट करेंगे और साथ में जरूर अपना प्रतिक्रिया देना वीडियो कैसा लगा है। अगर वाकई में वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो दोस्तों के लिए शेयर करें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।